हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम टेक्निकल संजय। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले जियो फोन के अंदर ही कि अगर आपका जियो फोन काफ़ी हीट हो जाता है तो क्या करें आप। तो गाइज ये सारे आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट थे कि मेरा जियो फोन जो हीट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या करूँ। तो गाइज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले कि अगर आपका जियो फोन ज़्यादा हीट होता है तो आपको करना क्या होगा। तो पूरा प्रोसेस देखिएगा वीडियोज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आप लोगों के लिए अगर आप एक जियो फोन यूजर्स है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो, दिखाता हूँ कि आपको कैसे उसका हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों कि आपको करना क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो साथ ही साथ में चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए क्योंकि ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाती है। तो कैसे आपको करना क्या होगा, आपको अपने जियो फोन को लेना है, साथ ही साथ उसको चार्जिंग में पहले लगा देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है तब जैसे कि आप चला रहे हो फ़ोन और चलाने के बाद आपका फ़ोन हीट हो गया है खूब, तो आप उसको कैसे नॉर्मल करेंगे, कूल कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको चार्जिंग में लगा देना, उसके बाद उसकी बैटरी को रिमूव कर देना है। ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने इसका जो कैबिनेट खोल दिया, अब यहाँ पे मैं बैटरी को रिमूव कर दूंगा। अब जैसे मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या लिख के आया वो चीज़ आप पढ़ लीजिए अच्छे से, टेम्परेचर टू लो, बैटरी हैज स्टॉप्ड चार्जिंग, फोन विल टर्न ऑफ द टेम्परेचर कीप्स लोइंग। मतलब इसका ये होता है कि मतलब यहाँ से चार्जिंग में अगर आपने लगा दिया उसकी बैटरी को रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग जो बैटरी रिमूव हो गई है, साथ ही साथ जो उसका टेम्परेचर था वो बिल्कुल स्लो हो गया, लो हो गया है। मींस आपका फ़ोन जो पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, वहाँ पे बिल्कुल उसको लो हो गया है बैटरी रिमूव करने से। तो आपको ऐसे ही करना है, सिंपली से मैं जैसे बताया हूँ। फिर से आपको करना क्या होगा, फिर से आपको बैटरी लगा देना जियो फ़ोन के अंदर, सेट कर देना है। ठीक है, तो आपने बैटरी को सेट कर दिया, सेट जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आपको चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पहला तो काम यहाँ पे 100% चार्जिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है कि आप जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी जो बैटरी बैकअप है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में ये होता है कि आपका जो हीटिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। मीन्स वो जो आपका फ़ोन है वो ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को आप लोग कमेंट करते थे कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करता है, तो आपको सिंपली ऐसा ही करना है, आपने अपने बैटरी को निकाल देना है और बैटरी निकालने के बाद फिर से लगा देना है, चार्जर को निकाल देना है। मैंने चार्जर को नहीं निकाला था लेकिन आपको चार्जर को निकाल देना है, और निकालने के बाद फिर सिंपली आपको इस तरह का आपका फ़ोन जो है कूल हो जाएगा कुछ हद तक, पक्का 100% कह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए सेटिंग्स में जाकर मैं बैटरी बैकअप चेक कर लेता हूँ। पहले मेरा 100% नहीं था, वो 100% हो चुका है। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं उसको भी आपको यहाँ पे ऑफ ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ, थैंक यू सो मच।